दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मेरे पास अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने के लिए MI की ब्रांडिंग के साथ आने वाला Redmi पावर बैंक, जो इसके लिए 10,000 mAh की कैपेसिटी के साथ आता है, तो मैं इसी की अनबॉक्सिंग या रिव्यू वगैरह करूंगा। एडिटोर बताऊंगा इसको परचेज वगैरह करना चाहिए कि नहीं, किस चीज़ के लिए परचेज करना चाहिए और किस चीज़ के लिए परचेज नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और बताऊँ, 500 से 600 रुपये के आसपास में पावर बैंक आप परचेज कर सकते हैं। एक्चुअल प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से कैसे परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चले फिर दोस्तों, अगर बढ़ने से पहले बता दूँ, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन होगा, उसे भी अनेबल कर दीजिए, ताकि ऐसे कुछ कमाल की अनबॉक्सिंग डिटेल वीडियो लाते रहता हूँ, यूजफुल वीडियो लाते रहता हूँ, उससे अपने फ़ोन पर सबसे पहले देख पाए। तो चले फिर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बॉक्स पैकिंग की बात करते हैं। रेडमी पावर बैंक 10,000 mAh रेडमी वाई सोमी की ब्रांडिंग की है, तो बहुत सारे इसके पेरेंट कंपनी है। MI भी इसके लिए इसका पेरेंट कंपनी है। एडवांस लेयर प्रोटेक्शन के साथ आता है, 10 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो चलिए फिर दोस्तों, इसको फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं, बॉक्स ओपन वगैरह करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग में रखी गई है। मेड इन इंडिया कितना है वो तो हकीकत बाद में पता चलता है, अंदर कितने सारे मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट लगे हैं, कितने मेड इन चाइना के। मेरा मन करता है दोस्तों, सच बताऊँ तो, कि कभी कभी इन सब प्रोडक्टों को अंदर से खोल कर एक एक प्रोडक्ट कंपोनेंट जो भी लगे देखूँ, कितने मेड इन चाइना है, कितने मेड इन इंडिया। यहाँ पे आपको सबसे पहले बात करूँ तो रेडिंग वाइज Xiaomi का यूजर में रखा मिल जाता है, जिसको साइड में रखते हैं इसमें रखा मिल जाता है हमारा दोस्तों मेन हमारा पावर बैंक, जिसको इधर से निकालते हैं फटाफट। तो ये दोस्तों हमारा पावर बैंक, जो इसके लिए पन्नी में रखा मिल जाता है, जिसको साइड में रखते हैं। उसके साथ एक केबल मिलता है, मैंने पहले साइड में रख लिया था। USB 2 माइक्रोस्पीक केबल मिलता है, जो फ्लैट केबल है। इस पर आपको MI रेडमी की ब्रांडिंग नहीं की गई है। केबल की क्वालिटी देखने में सही लग सकता है, देखने में यूज वगैरह कर सकते हैं, काफ़ी सही क्वालिटी वगैरह देखने में लग रहा है। अब इसकी बात करो दोस्तों, ये है हमारा मेन पावर बैंक, जिसकी कलर क्वालिटी की बात करो तो कलर तो देख पा लेंगे, फुल्ली मेट ब्लैक है, जो मैट फिनिशिंग के साथ आता है, प्लास्टिक बिल्कुल ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे पावर बैंक ब्रांड जो देते हैं ग्लॉसी फिनिशिंग दे देती है, क्योंकि कुछ टाइम बाद शुरू में तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद स्क्रैचेज आ जाते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। मैट फिनिशिंग में एक प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लॉन्ग टर्म तक अच्छे वो देखने में लगेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर रेडमी की ब्रांडिंग की गई है, इधर आपको 10,000 mAh पावर बैंक की ब्रांडिंग की गई है, 10,000 mAh का है, और VIA सर्टिफाइड है, तो उसकी भी ब्रांडिंग में रखी गई है। इसकी डेमिनेशन की बात करूँ तो काफ़ी सही सी है, पॉकेट में आ जाता है, लॉन्ग पॉकेट वगैरह पावर बैंक में रख सकते हैं। डैम फ्लैट पावर बैंक जहाँ पे आपको टेक्सचर वगैरह दिया गया, तो देखने में काफ़ी सही लग रहा है, बात तो सही है। यहाँ पे आपको 12 लेयर का प्रोटेक्शन वगैरह दिया गया, तो सेफ्टी के मामले में कोई दिक्कत वगैरह नहीं वाला, काफ़ी सिक्योर एंड सेफ पावर बैंक होने वाला है। जहाँ पे आपको इधर पावर बटन दिया गया, जिससे इसकी बैटरी वगैरह चेक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं 4 इंडिकेटर लाइट मिल जाता है, तो यहाँ से चेक कर पाएंगे कितनी बैटरी वगैरह है या नहीं। यहाँ पे आपको दोस्तों बात करूँ तो 2 USB आउटपुट मिल जाता है, और 2 पोर्ट इनपुट का मिल जाता है, जिसमें एक माइक्रो USB एक टाइप सी है। लेकिन टाइप सी वाला से ये बता दूँ, खास करके ध्यान रखना है, टाइप सी वाला से आपको आउटपुट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला इनपुट के लिए दिया गया, क्योंकि काफ़ी सारे पावर बैंक में टाइप सी से आउटपुट आज के टाइम में मिल जाते हैं, तो इस पावर बैंक में आपको नहीं मिलने वाला। चार्जिंग की बात करो दोस्तों, 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 10 से 12 वॉट की फास्ट चार्जिंग वगैरह मिल जाएगी। इसमें आपको बेसिकली बैटरी वगैरह नहीं है, शायद बैटरी नहीं है इसलिए बैटरी चार्ज वगैरह नहीं हो रहा, वैसे चार्ज वगैरह हो जाता है, मैंने चार्ज वगैरह होने लग गया दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर बिजली चार्ज हो रहा है, तो 12 वॉट की फास्ट चार्जिंग से सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, तो काफ़ी मेरे हिसाब से सही से पावर बैंक के। प्राइसिंग की बात करो तो एक्चुअल प्राइसिंग इसकी 1150 रुपये के आसपास है। अब बात करो दोस्तों मेन मुद्दे के बाद, कि इसको क्यों परचेज करना चाहिए, क्योंकि बिजली 7 से 8 से 900 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में 20 वॉट की 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कराते हैं। कई सारे ब्रांड के आता है, Ambrane का आता है, उसकी वीडियो वगैरह बना चुका हूँ, काफ़ी सारे ब्रांड का आता है, पोटोनिक्स वगैरह का आता है, लेकिन ये आपको 1000 से 1100 रुपये में दे आता है, लेकिन 12 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कराता है। तो दोस्तों ये उनको परचेज कर सकते हैं जो सिंपल इसके लिए फ़ोन यूज़ करते हैं, 10 से 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग वगैरह सपोर्ट करता है, उनके लिए काफ़ी खास पावर बैंक, क्योंकि जो 800-900 रुपये में पावर बैंक आता है, उसकी जो लॉन्ग टाइम जिसके लिए यूजेस होता है कम होता है, 4-5 महीने 6-8 महीने में इसके लिए क्या होगा, 1 साल के अंदर अंदर उसकी पोर्ट्स वगैरह सही से काम करना बंद कर देंगे। ये जो इसके लिए रेडमी का मैंने यूज़ किया है, उन सबको पावर बैंक यूज़ किया है, इनके जो पावर बैंक होते हैं काफ़ी रिलायबल होते हैं और काफ़ी 2-3 साल 4 साल अच्छे चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले, तो उन सब चीज़ों के लिए उन सबको लिए काफ़ी अच्छा पावर बैंक परचेज वगैरह कर सकते हैं। मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है, अगर आप 1100 रुपये के आसपास में परचेज करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे पावर बैंक ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए मैं आँख बंद करके परचेज कर लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। अब बात करो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था 550-600 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जो 550-600 रुपये में जो परचेज करेंगे दोस्तों पावर बैंक,
वो एमआई का नहीं होगा, रेडमी का नहीं होगा, फेक पावर बैंक होगा। इसीलिए एमआई को पता है क्योंकि एमआई का फेक प्रोडक्ट बहुत बनते हैं, एमआई भी कॉपी करता है और एमआई का भी लोग कॉपी करते हैं, तो वो जो फेक होते हैं जो कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिया जाता है, या सीरियल नंबर को जो भी प्रोडक्ट आता है एमआई के प्रोडक्ट आता है उन पर होता है। ये जो वेबसाइट दिया गया इस पर जाके आपको इसको डाल कर आपको चेक करना होगा कि जो आपका प्रोडक्ट आया है सही है नहीं, तो ये चेक करेंगे तभी जाके आपको 100% से पावर बैंक वगैरह मिल पाएगा। तो इसी के लिए दिया गया आज के लिए इतना। तो उम्मीद करता हूँ डिटेल वगैरह समझा पाऊँ, थोड़ा सा गला खराब था दोस्तों, तो आवाज़ वगैरह सही से नहीं आया उसके लिए सॉरी, मैं उसके लिए बहुत कोशिश की तो नहीं आ पाया। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना। इसको परचेज वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हैं, फुल सपोर्ट है मेरी तरफ से, परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पावर बैंक है, अपने प्राइस में काफ़ी अच्छे लेवल का परफॉर्मेंस और बिल्कुल लेके आता। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।